दोस्तों इस समय हमारे साथ बैठे हैं अभिनय चौधरी, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 2016 की जो परीक्षा है उसमें डीएसपी रैंक पर चयनित हुए हैं, और इसी के साथ ही यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा भी पास कर चुके हैं। और इनसे हम जानेंगे इनकी एग्ज़ाम के लिए जो स्ट्रैटेजी थी और जो पूरी जर्नी थी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पूरी जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या इनका तरीका था सफल होने का। तो सबसे पहले अभिनय, आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपने एक सफलता और पाई। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तैयारी आपको लोक सेवा आयोग की करनी, ये आपने कब सोचा? सर एक्चुअली मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं सर एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी जो एजुकेशन है वो भी मेरे 10+2 मैंने गांव से ही की है। तो वहाँ इतनी अवेयरनेस और इतना गाइडेंस हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, जैसे मैं फिर मैंने बीटेक किया पन्नगर यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद मेरी 1.5 साल की जॉब है प्राइवेट सेक्टर में एज ए इंजीनियर। तो वहाँ मुझे थोड़ा उस तरह का माहौल मिला कि हाँ, अगर आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना चाहते हो, तो जो पब्लिक सर्विसेज हैं ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है एज ए कैरियर। मैं पहले भी सर जो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मैं स्काउट गाइड का पार्ट रहा, मैं एनजीओ का पार्ट रहा, लेकिन वो सब पार्ट टाइम था। फिर मुझे जॉब में जाके एनालाइज हुआ कि आप इसको एज ए प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हो, और फिर तब से मैंने फिर जॉब को सर छोड़ा और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और 2016 में मेरा सर असिस्टेंट कमांडेंट में यूपीएससी के थ्रू उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन साथ साथ में ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करता रहा, जिसमें अब आके मुझे उसमें सफलता मिली है और मैं कोशिश करूँगा कि और आगे भी अच्छा करूँ। जब तैयारी आपने शुरू की होगी तो कई बार ऐसा मौका आता है कि सोच तो लिया है, कूद पड़े हैं तैयारी के लिए, लेकिन जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा मिल नहीं पा रहा है। तैयारी के दौरान की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करने के लिए जितना आपने टारगेट रखा नहीं पूरा हो पा रहा है, तब आपको कैसे मेंटल लेवल पर मैनेज करते हैं? डेफिनेटली अगर किसी इवेंट में आप टाइम और एनर्जी डिवोट करते हो तो आपकी एक आस लगी रहती है कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम से या इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे रिजल्ट चाहिए। लेकिन हर बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं, तो जो फेलियर्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। और जब आप किसी बड़े गोल के लिए जाते हैं तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, मतलब आपको फेस करना पड़ता है, और यही चीज़ जो है आपका करेक्टर बनाती है। तो फिर आप जो हैं, ताकि आप और डिवोशन से काम करें और मोटिवेशन से काम करें, और फिर उसको आप अपनी सारी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें सर मिल जाती हैं उस तरह से। अच्छा, चूँकि आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, आपने जी सर उस तरह का गाइडेंस नहीं मिला आपको जी सर, जैसा मिलना चाहिए था। अभी हाल फिलहाल में जब से इंटरनेट का बूम आया है, 2-3 सालों की अगर बात करें, बहुत सारी तैयारी इंटरनेट बेस्ड भी हो गई। तो आपको लगता है कि आज रूरल बैकग्राउंड के बच्चे एट पार बड़े शहरों के बच्चों के कंपटीशन में आते हैं, क्या उन्हें उतनी ही पहुंच एक्सेस मिल पाया तैयारी की ओर? सर इंटरनेट अपना एक रोल है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल प्ले करता है। अगर आपको पता है कि इंटरनेट को एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ करना है, तब आप उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट में ले सकते हैं। लेकिन अक्सर होता ये है कि हमको पता ही नहीं होता कि इंटरनेट को यूज़ कैसे करना है। मतलब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए इन सर्विसेज के लिए कि हाँ, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको इंटरनेट पर देखना है तो कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है, लोग फिर मतलब आप कंसेप्ट ढूंढ रहे हो, तो आप कंसेप्ट ढूंढने में आप बहुत डेप्थ में चले जाते हो, उतनी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम की, तो उसमें फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम आप किसी दूसरी जगह यूटिलाइज़ करके एक बेटर आउटपुट ले सकते थे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की तैयारी की, तो वो किस तरीके से आपने की? प्रीलिम्स में सर एक्चुअली ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हम एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं, कि अगर आप इससे आउट हो गए तो आपको मेंस में परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या था। और इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने होते हैं। आपको फिर वेरियस टेक्निक्स से, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स हो गई और फिर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, तो उससे आपको देखना पड़ता है कि अच्छा, किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा। हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तब भी हमें सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते, तो कुछ में हमको फिर जो है गैस करना पड़ता है, बहुत रिस्क लेना पड़ता है। मतलब कई जगह 33% आपको दो ऑप्शन आते हैं, दो नहीं आते हैं, तो वो सर थोड़ा उसमें रिस्क तो लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप
ने उस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर वो काफ़ी बेनिफिट करता है उसमें। अच्छा, आपने बताया है कि उत्तराखंड की इससे पहले की परीक्षा में भी आप इंटरव्यू राउंड तक पहुँचे जी सर, बल्कि सेम बोर्ड में ही आपका इंटरव्यू पड़ा जी सर। कई बार हमने ये देखा है कि कई टॉपर्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स मात्र एक नंबर से क्वालिफाई किए हैं और पूरा एग्ज़ाम में टॉपर निकल करके आए हैं, तो एक तरीके से प्रीलिम्स को कई बार एक बड़ा हर्डल भी माना जाता है। उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो क्या वो तरीका है, आपको लगता है दो बार आपने भी एग्ज़ाम दिया है कि प्रीलिम्स तो ज़रूर ही सिक्योर कर ले कोई भी कैंडिडेट? डेफिनेटली सर, प्रीलिम्स जो है बहुत जो कहते हैं कि इस एग्ज़ाम की सबसे बेसिक यूनिट है, और जब यहाँ पे फेलियर मिलता है, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है मेंस की इंटरव्यू की, तो फिर आपको बहुत रिग्रेट फील होता है कि एक या दो नंबर से मेरा एग्ज़ाम रह गया। तो उसमें उसका सोल्यूशन यही है कि सर आप जो है अपनी जो नॉलेज है उसकी डेप्थ आप थोड़ा और एक्सपेंड करें, जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा और इंक्लूड करें, जो बेसिक कंसेप्ट हैं बेसिक बुक्स हैं उन पर आप काम करें, ताकि आगे आने वाले फेज़ में आप इस तरह की प्रॉब्लम मतलब सॉल्व मतलब ना देखें। अच्छा, उत्तराखंड स्पेशली उत्तराखंड की ही जो क्वेश्चंस आते हैं प्री और मेंस समय लेकर के या फिर इंटरव्यू की बात करें, तो आपने उसके लिए विशेष तैयारी कैसे की थी? सर मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में की थी, तो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं लेकिन तब भी आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो इसके लिए सर मैंने संवेग IAS से काफ़ी इनपुट लिया है ताकि मुझे जो इंटरव्यू के लिए थी या फिर जो उत्तराखंड के लिए हैं वो सिंक्रोनाइज वे में मुझे चीज़ें मिल सकें, तो वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रही और उससे मेरा टाइम काफ़ी बचा, ताकि ज़्यादा बुक्स पे ना जाके आप कम बुक्स पढ़ो लेकिन उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। अब आते हैं मेंस की तैयारी की ओर, जैसे वो जब पता चला कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए, तो क्या मेंस की तैयारी पहले से ही चल रही थी प्रीलिम्स से पहले या फिर मेंस की तैयारी तब शुरू की, और कैसे क्या अप्रोच रहा? सर एक्चुअल में जो उत्तराखंड PCS का मेंस है वो बाकी जो एग्ज़ाम जैसे UPSC का, जैसे मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम पहले दे चुका था, UPSC का मेंस दे चुका था, तो उनसे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। हाँ, थोड़ा सा आपको जो है अपना नॉलेज थोड़ा एक्सपेंड करनी पड़ती है, जैसे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी पड़ती है, आपको मैथ्स इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, एप्टीट्यूड आपको जोड़ना पड़ता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ता है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन मैं सर क्योंकि मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट मारने नहीं पड़े, जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें आपको स्ट्रक्चरिंग करनी होती है कि हाँ ठीक है अगर आपको 250 वर्ड में लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन में क्या रखेंगे, मेन बॉडी में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, तो काफ़ी हद तक उस पर काम मैं कर चुका था। हाँ, ये था कि जब स्टेट का जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसमें फिर मैंने स्टेट ओरिएंटेड जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। चूँकि आपने मेंस की आंसर राइटिंग पर भी बहुत मेहनत की है, स्ट्रक्चरिंग पर मेहनत की है, जी सर, अगर स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहें कि वो कुछ एलिमेंट्स गिने चुने एलिमेंट्स जो हर क्वेश्चन के आंसर में होने चाहिए, जो एक जनरलाइज अप्रोच होता है, वो आप क्या कहेंगे कि एक आंसर कैसे अच्छा दिख सकता है? सर उसमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करें कि क्वेश्चन कितने डायमेंशन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से इतनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है ताकि कोई एग्जामिनर अगर उसको चेक करे तो उसको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आप इसका इस तरह से आंसर लिख रहे हो। अब आप अगर इंट्रोडक्शन बहुत लंबा कर दोगे, आप मेन बॉडी में कुछ मतलब कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। आप टू द पॉइंट लिखें, आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना भी हो सारा कंटेंट आपका रेलिवेंट हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी की डिमांड को फुलफिल करें, और अगर एक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें ऐड ना करें, और बाकी फालतू लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपका फिर एक निगेटिव इंप्रेशन बना देता है एग्जामिनर के ऊपर कि इसको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है और ये ज़बरदस्ती ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, इसमें ज्योग्राफी में आपके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, तो ज्योग्राफी की तैयारी के लिए मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स को आप क्या सुझाव दें कि जितना भी वो लिखें उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएं? डेफिनेटली सर, मेंस में ज्योग्राफी मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब आई थिंक 152 मार्क्स मिले हैं, और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ज्योग्राफी है आप उसको स्पेशल डायमेंशन से जोड़ें, मतलब जिस एरिया की बात हो रही है वो आप मैप में दिखाएं, या जिस रीजन की बात हो रही है तो आप जैसे आप थोड़ा सा इसको सॉइल में इंक्लूड करें, उसका एनवायरनमेंट इंक्लूड करें, क्लाइमेट इंक्लूड करें, मतलब आंसर को एक होलिस्टिक वे में बनाने की कोशिश करें, तो उसमें थोड़ा जो चेक करने वाला है वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है,
कि हाँ ठीक है आपको ज्योग्राफी आती है और उसमें फिर आप अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं। अच्छा, ऐसे का क्या अप्रोच रहा, क्योंकि ऐसे का डायमेंशन बड़ा वास्ट हो जाता है, ज्योग्राफी आपने तैयार किया है, पॉलिटी तैयार किया है, तो एक नैरो डायमेंशन रहता है, लेकिन ऐसे में काफ़ी ब्रॉड है, तो ऐसे की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर ऐसे में, ऐसे वाले पेपर में प्रॉब्लम ये है कि वो पेपर बहुत लेंदी है, उसमें आपको हिंदी भी करनी होती है, आपको बाकी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है, उसमें ऐसे भी हैं, तो ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन तब भी ऐसे अगर कोई करे तो उसमें, या जैसे मैंने किया था, तो उसमें आप बहुत छोटे उसमें एक बार पूरा बना लें कि हाँ ठीक है आप इंट्रोडक्शन में क्या रखेंगे, आप कंक्लूजन में क्या रखेंगे, और मेन बॉडी में, मतलब कुछ डायमेंशन 4-5 कलेक्ट करके आप उन पर अच्छे से बैलेंस आंसर लिखें, आप बैलेंस ऐसे लिखें तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर जाता है। अच्छा, आपको लगा सारे मेंस पेपर जितने भी मेंस के हुए उसमें आपको क्या लगा कहाँ आप सुधार कर सकते थे, किस पेपर में? सर एक्चुअल में जो मेंस का एग्ज़ाम है वो थोड़ा एनालिटिकल टाइप का होता है, उसमें आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी स्ट्रक्चरिंग वो सारी डिपिक्ट होती है, तो एक एग्जामिनर जो है वो आपको आपके आंसर आपके राइटअप से पहचानता है कि आपको कितना नॉलेज है, आप इस कंसेप्ट को समझे नहीं समझे। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो सारे सिलेबस हैं, जो पूरा सिलेबस है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ा मतलब इन डेप्थ जितना काम हो उतना अच्छा है, वो खासकर जो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर है या जो लास्ट पेपर है जिसमें एप्टीट्यूड एंड एथिक्स आता है, उनकी हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम लोग वैसे वैसे कर लेंगे, तो उसमें मार्क्स गेन करने का बहुत अच्छा स्कोप है। मैं पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं जो लास्ट पेपर था एथिक्स एंड एप्टीट्यूड वाला, तो जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में बिना प्रैक्टिस के टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें फिर आपको फिर मार्क्स में लॉस होता है। अब ये जानना चाहेंगे इंटरव्यू का, जब आपको पता चला कि अब इंटरव्यू देना है, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी इंटरव्यू? डेफिनेटली सर, इंटरव्यू बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि इंटरव्यू के आगे जस्ट आपको एक रैंक दिख रही होती है कि अगर आप क्वालिफाई कर गए तो यू विल बी इन द लिस्ट, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो आपको फिर से वो प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन सर जो इंटरव्यू है, मैं कहना चाहूँगा कि वो आपका नॉलेज का या जिसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का टेस्ट नहीं है, वो चीज़ आपकी बाकी दो स्टेज में पूरी हुई होती है। तो नॉलेज में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके एकेडमिक्स, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारी क्यूमुलेटिव होके आपके इंटरव्यू में जो है किस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहा उसके बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने सर क्या किया था कि मैंने संवेग आईएएस से मैं बहुत ज़्यादा इनपुट लिया इसमें कि इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरह से तैयारी करनी है, और चूँकि ये जो इंटरव्यू है ये यूपीएससी के इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ उसमें थोड़ा इंडिया लेवल पे क्वेश्चन होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक रीजनल एस्पेक्ट भी है कि आपको उत्तराखंड के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो चीज़ मैंने सर यहाँ फिर समझेगा आईएएस से मैंने इनपुट लिया, मटेरियल लिया, यहाँ फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, तो उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ और मुझे जो हाईएस्ट मार्क्स है इंटरव्यू में 150 वो मुझे मिले हैं उसमें। आपने इसी बोर्ड में शायद इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था, पिछली बार जब आपने इंटरव्यू दिया था, कुछ फ़र्क नज़र आया खुद में और इंटरव्यू बोर्ड जो था उसके पैनल में, कुछ फ़र्क नज़र आया? डेफिनेटली सर, पहले तो मैं खुद की बात करना चाहूँगा कि जो आपकी मैच्योरिटी है वो टाइम के साथ इम्प्रूव होती है। पहले मैं इंटरव्यू दे चुका था तो मुझे पता था कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मुझसे वो एक्सपेक्टेशन उनकी रहेगी इंटरव्यू में, और किस तरह के आंसर मुझे नहीं देने हैं, किस तरह के जो आंसर हैं वो बहुत बैलेंस टाइप के देने हैं, तो मैं अपनी तरह से मैंने पूरी प्रिपरेशन की। लेकिन ठीक है, बोर्ड का भी एक रोल रहता है, तो अब की बार जो सर जो डिफरेंस दिखाई दिया मुझे इंटरव्यू देने में, तो वो था कि जो आपकी बार इंटरव्यू थे वो काफ़ी एनालिटिकल टाइप के थे, वो आपकी फैक्चुअल नॉलेज ना चेक करके जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि ताकि आपकी पर्सनैलिटीज़, आपकी हॉबीज़, आपकी एकेडमिक्स वो सब सामने आए, और उस चीज़ का जो आपने पास्ट लाइफ में किया है, आपने जैसे जॉब की हो, आपने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जो भी आपका बैकग्राउंड है, तो उसका आपकी उसका बेनिफिट आपकी पर्सनैलिटी में मिल सके और इंटरव्यू में आप जो है उसमें फिर एक परफॉर्मेंस की तरह उसको देखा जा सके। अच्छा, मॉक इंटरव्यू कितना हेल्प करते हैं किसी भी कैंडिडेट को रियल लाइफ में
इंटरव्यू जो होता है उसके लिए तैयार होंगे? डेफिनेटली मॉक इंटरव्यू का एक अपना रोल है, क्योंकि जब आप कोई बैटल फेस करने जा रहे हैं तो उसमें मॉक ड्रिल्स होती हैं कि अगर आपको इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन देखनी पड़ेगी तो उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो मॉक इंटरव्यू का भी वही रोल है कि ये आपका एक्सपीरियंस टाइम गेन करता है कि कुछ लोग सीधे आप इंटरव्यू में चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर डर लगता है कि हाँ क्या पूछेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से मैं आंसर दूंगा, तो उसकी तैयारी आप मॉक इंटरव्यूज़ में कर सकते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि वो सिचुएशन आप पहले एक दो बार देख चुके होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहेगा उसमें, तो आप एक मैं कहूँगा कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने यूपीएससी की भी एक परीक्षा पास की है और उत्तराखंड की परीक्षा में भी बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है, तो कैंडिडेट्स के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ओवरऑल होलिस्टिक वे में जो तैयारी होती है उत्तराखंड की या फिर यूपीएससी की बात करें, आपका क्या सुझाव रहेगा आज के टाइम? डेफिनेटली सर, पहले तो जो सारे लोग हैं वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को जाँचें कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है, फिर उसमें देखें आप कहाँ लैग करते हैं, आप सिलेबस देखें, सिलेबस को पूरा थोरोली आप जो है कंप्लीट करें। हाँ, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है फॉर मतलब 8 to 10 months एटलीस्ट टू कवर बेसिक सिलेबस, तो इस प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा जो है आप मतलब टाइम देते हो, आप एनर्जी देते हो, डिवोशन देते हो, आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप उसमें पूरे मोटिवेशन से आप लगें। मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप इधर उधर ध्यान न दें, आप अपना गोल सेट करें, उसकी तरफ डेली बढ़ें, मतलब डेली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, आप वीक के हिसाब से आप अपने टारगेट्स बनाएं, उनको फुलफिल करें। और हाँ, मतलब ये चीज़ें जो हैं जॉब हैं ये देखने में नीचे से बड़ी लगती हैं जब हम इनसे आउट होते हैं तो, कि हाँ बहुत बड़ी जॉब है और बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आप अपनी कमियों पे काम करना चालू करते हैं तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो डेली बेसिस पे आपको मिलता है, और फिर आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं टाइम के साथ में जहां आप एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो उसमें फिर वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी और उसमें आप मतलब एक ना एक दिन तो आप सक्सेस हासिल कर ही लोगे। एक सवाल और ज़रूरी है जानना इस समय, कई बार आपने प्रयास किया होगा तो उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पाई होगी, तो सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप क्या करते? सर, प्रिपरेशन ही सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है कि जितना टाइम आपको मिल रहा है आप उतना टाइम जो है बेटर वे में यूटिलाइज करें। अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम तैयारी में प्रॉपर टाइम दें, तो वही एक मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन हाँ, चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा सर कि फेलियर्स और फियर्स, डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, कितनी बार तो आप सेल्फ डाउट करते हो कि सर, जैसे मैं अपना ही बताऊँ कि मैं जॉब करता था, कितनी बार लगता था कि कहाँ चक्कर में फंस गए, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, फिर यहाँ आके फिर से पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप एक पाथ पे आप कंटिन्यू करते हैं तो आप ये जानेंगे ये जो सक्सेस है या जो जॉब है ये उसका एक प्रोसेस है, और ये चीज़ अगर आप फेस नहीं करोगे तो वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, और ये चीज़ें सब नॉर्मल हैं। हाँ, ये है कि स्ट्रेस और जो ये सब चीज़ें हैं, एंग्जाइटी है, ये टेम्परेरी फेज में रहनी चाहिए। उसके लिए मैं दोस्तों से मिलता था और कभी कभी मूवी भी देख लेता था और फिर फैमिली वालों से बात करता था, तो ये कंटिन्यूस आपको मोटिवेशन और उस फॉर्म में मिलता रहना चाहिए और काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस तैयारी के दौरान संवेग से आप जुड़े, वो एक्सपीरियंस कैसा है? सर, संवेग से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ से सर मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी है, मेंस के लिए मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन की, फिर बाद में मैं इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आया और रिजल्ट मैं बोलूँगा कि आई गोट 150, मतलब हाईएस्ट मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, तो आप बोलोगे कि फिर इस हिसाब से तो सक्सेसफुल ही रहा। और चलिए, आप एक अच्छे पद पर चयनित हुए हैं अच्छी रैंक के साथ, और भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आप इसी तरीके से अच्छा करते हैं, जो भी आपने आगे सोचा है उसमें भी अच्छा करते रहें। संवेग आईएएस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।